अगला क्वेश्चन आपको गिवन है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है किसके सी डी के. तो देखिए सबसे पहले तो साथ में गिवन लिखते चलिए आपको क्या क्या गिवन है. तो आपको गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी इतना ठीक है. आगे आपसे बोला गया है एफ ई परपेंडिकुलर है किसके सी डी के. तो ये रहा एफ ई किसके परपेंडिकुलर सी डी के परपेंडिकुलर. तो एफ ई परपेंडिकुलर टू सी डी और ऐसे ही एंगल जी ई डी. तो एंगल जी ई डी आपको कितना गिवन है 126 डिग्री इतना क्लियर. और आपको यहां पे फाइंड आउट करना है टू फाइंड एंगल ए जी ई. तो देखते हैं क्या है आपका एंगल ए जी ई यानी कि ये वाला एंगल. तो आपको फाइंड आउट करना है एंगल ए जी ई. आपको फाइंड आउट करना है एंगल जी ई एफ. तो जी ई एफ यानी कि ये वाला एंगल. तो एंगल जी ई एफ. और उसके अलावा आपको फाइंड आउट करना है एंगल एफ जी ई. तो देखते हैं क्या है आपका एंगल एफ जी ई. तो एफ जी ई यानी कि ये वाला एंगल. तो एंगल एफ जी ई ये भी आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है. तो ये आपको गिवन है ये आपको फाइंड आउट करना है क्लियर. चलिए देखते हैं कैसे करेंगे स्टार्ट. सबसे पहले ए बी इज पैरेलल टू किसके सी डी के. ध्यान से देखिएगा सिंस ए बी पैरेलल है किसके सी डी के. ये साइड इस साइड के पैरेलल. और जी ई क्या हो गई एक ट्रांसवर्सल एंड जी ई इज ट्रांसवर्सल. तो ये हो गई एक ट्रांसवर्सल इतना क्लियर. तो देखिए ये साइड इस साइड के पैरेलल और ये हो गई एक ट्रांसवर्सल. तो क्या हम कह सकते हैं ये वाला एंगल यानी कि ए जी ई इस पूरे एंगल का क्या होगा इक्वल होगा. रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो देयरफॉर एंगल ए जी ई कौन सा ये वाला एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू एंगल जी ई डी. तो देखिए किसके बराबर जी ई डी के बराबर. और आपके पास रीजन क्या आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इतना क्लियर. अब बताइए आपको क्या गिवन है एंगल जी ई डी कितना है 126 डिग्री. सो देयरफॉर हमारे पास एंगल ए जी ई कितना आ गया 126 डिग्री आ गया. तो देखिए हमको निकालना था ए जी तो ये कितना आ गया 126 डिग्री आ गया. कैसे ये साइड इस साइड के पैरेलल ये ट्रांसवर्सल. तो एंगल ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर. नाउ अब देखिएगा एंगल ए जी ई यानी कि ये एंगल और ये एंगल बताइए इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा. तो क्या हम कह सकते हैं कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री. तो एंगल ए जी ई इतना क्लियर. ये रहा एंगल ए जी ई और एंगल ई जी एफ और एंगल ई जी एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. और रीजन क्या आ जाएगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. नाउ ए जी ई अभी हमने निकाला कितना है 126 प्लस एंगल ई जी एफ इज इक्वल्स टू 180. तो आपके पास एंगल ई जी एफ बताइए कितना आ जाएगा 180 माइनस 126 यही आएगा. तो एंगल ई जी एफ आपके पास आ गया दैट इज 54 डिग्री. तो आपके पास ये वाला एंगल बताइए कितना आ गया 54 डिग्री. तो ये वाला एंगल भी निकालना था कि एंगल एफ कौन सा निकालना है आपको एफ जी ई ये हमने निकाल दिया. ये भी कितना आ गया आपके पास 54. अब देखिए आपके पास ये वाला एंगल आ चुका है आपके पास ये वाला एंगल आ चुका है. अब आपका कौन सा एंगल बाकी जी ई एफ. तो कहा है आपका एंगल जी ई एफ. ध्यान से देखिएगा ये वाला एंगल हम कैसे निकालते हैं सिंस क्योंकि एंगल जी ई डी कितना निकला है 126 डिग्री. तो हमारे पास ये वाला एंगल कितना गिवन है 126. तो एंगल जी ई डी इज इक्वल्स टू 126 डिग्री. ये आपको क्या है गिवन. अगर ये गिवन है तो ये रहा आपका जी ई डी 126. बताइए ये एंगल किससे मिलकर बन रहा है जी ई एफ और एफ ई डी से मिलकर बन रहा है कि नहीं.
एक तो ये वाला एंगल आ रहा है और एक ये वाला एंगल आ रहा है, तो एंगल किससे मिलकर बन रहा है, दैट इज एंगल GEF, ये रहा आपका एंगल GEF प्लस FED इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। इतना क्लियर? GEF आपको निकालना है, तो एंगल GEF तो आपको निकालना है, ये कितना गिवन है 90 डिग्री। देखिए एंगल FED कितना गिवन है 90 डिग्री, क्योंकि FE परपेंडिकुलर है किसके, CD के, इज इक्वल्स टू 126। तो एंगल GEF 126 माइनस 90, बताइए कितना आ जाएगा 36 डिग्री। तो इधर से आपके पास ये वाला एंगल कितना आ गया 36। तो आई रिपीट, सब लोग अब डायग्राम में वापस ध्यान से देखेंगे, ये साइड इस साइड के पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो अगर ये 126 तो ये भी कितना है 126, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इन दोनों में क्या लगा है लीनियर पेयर, तो ये 126 तो ये कितना हो गया 54, 180 में से माइनस कर दिया। फिर आपको निकालना है ये वाला एंगल, ये निकालना है, तो देखिए एंगल GED कितना है 126, ये किससे मिलकर बन रहा है GEF और FED से मिलकर, ये 90 है, तो क्या ये वाला निकल जाएगा, तो ये वाला कितना निकला, दैट इज 36 डिग्री निकला। क्लियर है? नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको गिवन है इन द गिवन फिगर, तो ये आपको एक फिगर गिवन है, आगे आपको गिवन है PQ पैरेलल है किसके, ST के। तो देखिए सबसे पहले गिवन हमको गिवन है, दैट इज PQ इज पैरेलल टू ST, यानी कि ये साइड इस साइड के पैरेलल, ये लाइन इस लाइन के, ऐसी आपको गिवन है एंगल PQR, तो एंगल PQR आपको कितना गिवन है 110 डिग्री, तो देखिए ये रहा PQR 110, और आपको गिवन है एंगल RST, तो एंगल RST आपको कितना गिवन है 130 डिग्री, तो ये एंगल 110 है, ये एंगल कितना है 130 डिग्री, और आपको फाइंड आउट करना है टू फाइंड दैट इज एंगल QRS, तो QRS ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना, तो टू फाइंड एंगल QRS। इतना क्लियर? तो यहां पे बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट गिवन है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, ये वाला एंगल क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए हम यहां पे क्या करेंगे, दैट इज कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर? तो आपको फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल। अब इसके लिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। देखिए कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ MN, ये मैंने एक लाइन बनाई दैट इज MN। इतना क्लियर? किसके पैरेलल है, PQ के पैरेलल, तो ड्रॉ MN पैरेलल टू PQ पासिंग थ्रू R, और कहां से पास हो रही है, R से पास हो रहा है। क्लियर है? सो ड्रॉ MN पैरेलल टू PQ, किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट R, कहां से पास हो रहा है, पॉइंट R से पास हो रहा है। अब देखिए इसके लिए मैंने यहां पे क्या किया, सबसे पहले इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2, और इसको नाम दे दिया मैंने 3, अपनी मर्जी से नेमिंग कर दी। अब देखिए PQ किसके पैरेलल है, दैट इज MR के, यहां से हम हमारा सॉल्यूशन चालू कर रहे हैं। ठीक है? तो सिंस PQ इज पैरेलल टू, देखिए अगर ये MN के पैरेलल है तो क्या हम कह सकते हैं MR के भी पैरेलल होगा, तो PQ पैरेलल है किसके, MR के, तो सिंस PQ इज पैरेलल टू MR, और QR क्या हो गया, एक ट्रांसवर्सल हो गया, एंड QR इज ट्रांसवर्सल। अब आप बताइए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, और ये हो गई एक ट्रांसवर्सल, तो एंगल PQR और एंगल 1, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सब कितना हो 180 डिग्री, तो एंगल PQR प्लस एंगल 1 का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री,
और रीजन क्या आ जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो इधर से हमारे पास रीजन क्या आ गया, को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। पी क्यू आर हमको कितना गिवन है 110, तो 110 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ गया 180 माइनस 110, तो एंगल 1 कितना आ गया 70 डिग्री। तो हमने सबसे पहले यहां से ये वाला एंगल निकाल लिया, कितना आया 70 डिग्री। अब बताइए पी क्यू किसके पैरेलल है, एस टी के। तो सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ये आपको क्या है गिवन। और ऐसे ही पी क्यू किसके पैरेलल है, एम एन के पैरेलल है। तो पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन बाय कंस्ट्रक्शन। तो क्या हम कह सकते हैं अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल, तो विच इंप्लाइज एस टी इज पैरेलल टू एम एन। तो एस टी किसके पैरेलल हो जाएगा, एम एन के। और वही सेम रीजन, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। नाउ अब देखिए एस टी पैरेलल है किसके, आर एन के। तो सिंस एस टी इज पैरेलल टू आर एन, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल और ये हो गई एक ट्रांसवर्सल एंड एस आर इज ट्रांसवर्सल, इतना क्लियर। तो ये ट्रांसवर्सल, तो क्या हम कह सकते हैं टी एस आर, तो एंगल टी एस आर प्लस एंगल टू का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए ये एंगल और इस एंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री। सेम रीजन, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो अगर ये 130 है, ठीक है, तो ये 130 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180। तो ये एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 130, तो एंगल 2 कितना हो गया 50 डिग्री। तो ये एंगल 70 और ये एंगल मेरे पास कितना आ गया 50, कितना क्लियर। अब बताइए ये एक लाइन है, एम एन क्या है एक लाइन है। तो सिंस एम एन इज अ लाइन, तो हम जानते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्या इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। रीजन, एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन, यही आएगा। एंगल 1 हमारे पास कितना है, एंगल 1 है 70, एंगल 2 नहीं पता, नहीं एंगल 2 कितना है हमारे पास 50, तो एंगल 250 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180, यही आएगा। तो 120 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180, तो ये एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई कि नहीं आ गई। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस लाइन ये लाइन के पैरेलल ये ट्रांसवर्सल, तो एंगल 170, फिर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल ये ट्रांसवर्सल, तो ये 50, और इन तीनों का सम कितना होगा 180। तो आपके पास एंगल 3 कितना आ जाएगा, दैट इज 60 डिग्री। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लियर। तो बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा ये, अगर सिर्फ यहां पे समझा और प्रैक्टिस नहीं की तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्लियर। नोट करिए, अगला क्वेश्चन आपको गिवन है इन द गिवन फिगर। अब देखिए ये आपको एक फिगर गिवन है, क्लियर। आगे आपसे बोला गया है ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन आपको क्या गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू आपको कितना गिवन है, दैट इज 50 डिग्री। ऐसे ही एंगल पी आर डी, तो एंगल पी आर डी आपको कितना गिवन है 127 डिग्री। तो देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये 50 गिवन है, ये 127 गिवन है। और आपको यहां पे फाइंड आउट करना है, टू फाइंड दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, इतना क्लियर, बहुत ध्यान से समझिएगा।
अब देखिए ए बी पैरेलल है किसके, दैट इज सी डी के. तो सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, और पी क्यू क्या हो गई एक ट्रांसवर्सल. तो देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल और पी क्यू क्या हो गई ट्रांसवर्सल, एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल. इतना क्लियर? तो मेरे को बताइए अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो क्या यहां पे हम देख सकते हैं क्या बन रहा है, जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो एंगल एक्स बताइए कितना डिग्री हो जाएगा, दैट इज 50 डिग्री. और रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो एंगल एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 50 डिग्री आ गई. इतना क्लियर ना? अब देखिएगा ये वाला एंगल कितना गिवन है, 127 गिवन. ठीक है, तो क्या मैं यहां से ये वाला एंगल निकाल सकता हूं बाय यूजिंग लीनियर पे. तो सिंस क्लियर, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू कौन सा एंगल, ये वाला एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर डी, तो प्लस एंगल पी आर डी का सम कितना होगा, 180 डिग्री. और रीजन क्या आ गया, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. अब पी आर क्यू, तो एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर डी कितना है, 127 इज इक्वल्स टू 180. तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 माइनस 127, बताइए कितने डिग्री आ जाएगा. तो हमारे पास ये वाला एंगल कितना आ गया, 53 डिग्री. तो देखिए ये वाला एंगल कितना आया, 53 डिग्री. ये वाला एंगल कितना आया, 50 डिग्री. क्या अब हम यहां से एंगल वाई निकाल सकते हैं? सो देयरफॉर इन ट्राइंगल दैट इज पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. तो एंगल वाई प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. और बताइए रीजन क्या होता है, दैट इज ए एस पी ऑफ ट्राइंगल. ए एस पी आप सबको पता है क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना 180. इसको हम प्रूव भी करेंगे आगे. ठीक है, अभी समझिए कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना 180. अब एंगल वाई हमको नहीं पता, एंगल एक्स कितना है 50, और एंगल पी आर क्यू बताइए कितना है, 53 डिग्री इज इक्वल्स टू 180. तो एंगल वाई प्लस कितना हो गया, 103 इज इक्वल्स टू 180. तो एंगल वाई 180 माइनस 103, तो एंगल वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 77 डिग्री. तो हमारे पास यहां से एंगल वाई कितना आया, 77. सबसे पहले हमने क्या किया, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये 50 था, तो ये भी कितना हो गया, 50. इसके बाद इस एंगल और इस एंगल का सम कितना हो गया, 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. तो यहां से ये कितना हो गया, 53. तो इसके अंदर हमने क्या लगा दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी. नोट करिए,